दोस्तों, मैं आज वो फिन्स एंड फेदर एक्वेरियम स्टोर में जो माही मुंबई में लोकेटेड है, आज भी इनके पास आया हूँ। एक्वेरियम फिश का स्टॉक है वो पूरा कवर करने के लिए। फिन्स एंड फेदर एक्वेरिया एक्वेरियम स्टोर एक काफ़ी पुराना स्टोर है और काफ़ी पॉपुलर एक्वेरियम स्टोर है मुंबई में। और दोस्तों, यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हो इनका, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा जो लुक है आपको यहाँ पे दे रहा है। और ये टैंक ऑन टैंक सिस्टम है, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स है वो टैंक ऑन टैंक सिस्टम है उनको अच्छा लगता है। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं इंक्वायरी करते हैं। और यहाँ पे एक्वेरियम फ़िश की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको हर एक फ़िश है वो काफ़ी अच्छा सेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा हेल्दी कंडीशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फिन्स एंड फेदर एक्वेरिया एक्वेरियम स्टोर के ओनर से। तो दोस्तों, हमारे सामने है फिन्स एंड फेदर एक्वेरिया एक्वेरियम स्टोर के ओनर। सर, आप कैसे हो? ठीक हो सर, बोलो क्या हो रहा है। और सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके पास आके, और आपका एक्वेरियम स्टोर है वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सर, मैं काफ़ी आपको अप्रिशिएट करता हूँ, कम स्पेस में आपने काफ़ी अच्छी तरीके से आपका जो स्टोर है उसको डेकोरेट किया है। थैंक यू सर। हर एक जो जगह है स्टोर की उसको आपने अच्छे से यूज़ किया है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम वेराइटीज़ है वो कम स्पेस में हम लोग है वो रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो सर, आपका ये जो स्टोर है ये कब से है, कहाँ पे है? क्योंकि ये जो आपका जो वीडियो फर्स्ट टाइम प्रथमेश एक्वाटिक्स के प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो हमारे व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं। ओके, हमारा स्टोर जो है ये माहिम वेस्ट, मुंबई में माहिम वेस्ट में लोकेटेड है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो फिन्स एंड फेदर्स एक्वेरिया, तो आपको उसका लोकेशन मिल जाएगा, प्रॉपर लोकेशन। स्टोर थोड़ा अंदर की साइड में, तो आप नियर बाय कहीं भी आके मुझे कॉल कर सकते हो तो मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ। ठीक है। और ये स्टोर जो हमारा है यहाँ पे, अभी 2012 से हम लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और सेम जगह पे हम लोग का ये ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पे हैचरी है। तो बहुत सारा फिशेस हम लोग यहाँ पे ब्रीड करते हैं और 24 आवर्स स्टोर अपना चालू है। जो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, कभी आपको इमरजेंसी रात को कभी भी कुछ भी, आपका फिल्टर बंद हो गया, हीटर बंद हो गया, ऑक्सीजन मशीन बंद हो गया, आप मुझे रात को कभी भी कॉल करो और यहाँ पे आके पिक कर सकते हो। अगर वो चीज़ मेरे पास है तो मैं आपको दे सकता हूँ। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ नहीं है उसका सब्स्टिट्यूट ऑप्शन मेरे पास है तो मैं आपको उसके बारे में भी सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर कोई फिश लेने को आ रहा है तो? फिश लेने को आ रहा है तो आप मुझे थोड़ा 9, 8, 8:30 के टाइम पे मुझे इन्फॉर्म करो, क्योंकि रात को मैं जब भी 10, 10:30 बजे फीडिंग करता हूँ उसके बाद में मैं फिश सेल नहीं करता हूँ। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, फीडिंग के बाद फिश का पेट भरा हुआ रहता है तो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी डैमेज हो सकता है और कस्टमर के पास सेट होने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आप फिश के लिए आना है तो मुझे पहले इन्फॉर्म करो। तो सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है, 24 आवर्स इनका है वो पूरा स्टोर चालू रहता है। पर एक अच्छा आपने बताया कि कोई अगर हॉबिस्ट को रात में अगर कुछ तकलीफ आ गई, मेरे कस्टमर्स ऐसे हैं कि मतलब उनको कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सेकंड शिफ्ट करते तो रात को लेट छूटते, तो वो लोग भी मुझे कॉल करते कि मैं ये टाइम पे आऊंगा, तो वैसे आप इन्फॉर्म करके आ सकते हो। अदरवाइज अगर आपका अभी 2 दिन पहले एक कस्टमर का कॉल आया था, उनका ऑक्सीजन मशीन सडनली बंद हो गया, उनके पास बड़ा हरवाना था और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था, तो वो भी रात को आके मेरे पास कुछ 2 बजे के आसपास आए थे मेरे पास और ऑक्सीजन पंप लेके गए थे। तो आप कुछ इमरजेंसी है तो रात को मुझे कभी भी कॉल करो, मेरा फोन हमेशा चालू रहता है। तो सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, आपके स्टोर के बारे में बताया है। हाँ। तो हमारे व्यूअर्स है वो काफ़ी उत्सुक है, काफ़ी एक्साइटेड है, पूरा स्टॉक है वो देखने के लिए। श्योर। तो सर, आप बताइए कि कहाँ से हम लोग शुरुआत करें? कहीं से भी आप जो बोलो वो टाइम से हम लोग शुरू कर सकते। एक्चुअली अभी आप हम लोग आज जिस दिन हम लोग जो शूट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मेरे पास वराइटीज़ है, बट उतना वराइटी नहीं जितना मेरे पास रेगुलरली रहता है। तो कैसे है, जिनको भी स्टॉक के बारे में अपडेट चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे, आप तो नंबर दे दोगे व्हाट्सएप पे, वो मुझे पिंग कर सकते हैं फॉर अपडेट्स करके। तो उनको मैं जो अपडेट लिस्ट आता है वो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा विद फोटोज, तो उनको अपडेट रेगुलर मिलता रहेगा। 8-10 दिन में मेरा न्यू स्टॉक आने वाला है। चलेगा सर। ओके, तो शुरू कर दे। यस। तो सर, यहाँ पे मैं फर्स्ट फिश कवर कर रहा हूँ,
इनके बारे में बताइए। ये लॉन्ग फिन सर्फिडेटर है, यूजुअली सर्फिडेटर सादा वाला भी आता है, तो ये लॉन्ग फिन सर्फी है जिसका फेदर्स जो है एनल फिन डॉर्सल फिन वो बड़ा हो जाता है काफ़ी। अच्छा, वेल्टल भी कहते हैं लॉन्ग फिन सर्फिडेटरा। तो ये आपको आता है 120 रुपीज़ का पेयर। अच्छा, और अगर आप डजन में लेते हो तो 600 का डजन आएगा। और इसमें और एक फिश है यहाँ पे बैठा हुआ, आप देख सकते हो, ऑटो सिंकलेस। हाँ, तो ये भी एक अच्छा एलिगेटर फिश है, ऑटो सिंकलेस प्लांटेशन में आप रख सकते हो। तो ये आता है आपको 350 रुपीज का पेयर। और यहाँ पे सर ये टैंक में आपको देखने मिल रहा है ग्लो लाइट टेट्रास है, और दूसरा है ब्लैक नियॉन टेट्रास। यस, और साथ में सादा वाला सर्फी टेट्रा भी है। ठीक है, एल साइज में सर्फी टेट्रा है। तो ये सर्फी टेट्रा आपको आएगा 60 रुपीज का पेयर। हाँ, ब्लैक नियॉन 60 रुपीज पेयर, ग्लो लाइट टेट्रा 60 रुपीज पेयर। अच्छा, और इनका डजन लोगे तो 300 रुपीज का वन डजन आएगा। सर अभी यहाँ पे, यहाँ पर है देखो, ये पेरुवियन गोल्ड कॉरिडोर है। यस, पेरुवियन गोल्ड कॉरी है। उसके बाद में यहाँ पे क्रिबेंसिस आप देख सकते हो, डॉर्फ चिकलेट्स में आता है क्रिबेंसिस। यस, यहाँ पे एक बैठा है रेड विप्टेल है। हाँ हाँ, ओके। और बैक साइड में अगर आप देख सकते हो ग्लास के टैंक के वॉल पे बैठे रॉयल विप्टेल। यस, तो ये मोस्टली सब एक्सोटिक फिशेस है इसमें। तो इसका कैसे पेयर है मालूम है, पेरुवियन गोल्ड कॉरी जो है ये 1500 रुपीज का पेयर है। अच्छा, और क्रिबेंसिस आपको आता है 300 रुपीज का पेयर। रॉयल विप्टेल, रेड विप्टेल, ये दोनों आपको आता है 1000 रुपीज का पेयर। अच्छा, ये रॉयल का भी? हाँ, ये रॉयल विप्टेल है और ये रेड विप्टेल है। राइट, यहाँ पे सर, यहाँ पे नियॉन टेट्रास है, एल साइज में नियॉन टेट्रास है। नियॉन टेट्रा का आपको आएगा 60 रुपीज का पेयर, अगेन 300 रुपीज डजन। और यहाँ पे बेटा भी है, OHM बेटा है हमारे पास, तो OHM बेटा 200 रुपीज का है। अच्छा, OHM मतलब क्या? OHM ओवर हाफ मून, जिसको अपने यहाँ पे फुल मून कहते हैं। तो एक्चुअली OHM का आता है ओवर हाफ मून। अच्छा, जिसका कंप्लीट राउंड शेप में फेदर्स आते हैं अगर वो खोलता है तो ये आपको बेटा मिलेगा 200 रुपीज ईच। और यहाँ पे सर ये टैंक में है हॉकी स्टिक है। ये इम्पोर्टेड हॉकी स्टिक इंडोनेशियन, इंडोनेशिया का है। इसको आप देख सकते हो ऊपर गोल्डन शेड और ब्लू शेड है। अगर आप प्रॉपरली देख सकते हो तो ये आपको शेड दिखने मिल जाएगा। और साथ में इसके साथ में है वेल्टेल चेरी बाब। अच्छा, हाँ, वेल्टेल चेरी बाब है। और नीचे आप देखोगे तो नीचे पैंडा कॉरिडोरा है, पैंडा कॉरी। पैंडा कोरी का आपको आएगा 300 का पेयर। लॉन्ग फिन चेरी बार्ब आपको आएगा 80 रुपीज़ पेयर। और हॉकी स्टिक जो है एल साइज में बड़ा, वो आपको आएगा 100 रुपीज़ का पेयर। यहाँ पे है गोल्डन मूनटेल, ब्लू आइज मूनटेल मॉली है। यस, तो ये आपको आएगा 80 रुपीज़ का पेयर। और इसके बाजू में है ट्रेंजेलिन सोटेल, रेड है। यस, ये आएगा आपको 60 रुपीज़ का पेयर। ये टैंक में आपको दो वैरायटी है मेरे पास में। एक है सियामीज एलिगेटर, जिसके बॉडी पे लाइन बना हुआ है, सियामीज एलिगेटर है। और दूसरा जो है वो है लेमन टेट्रा। अच्छा, लेमन टेट्रा आपको आएगा 60 रुपीज़ का पेयर, 300 डजन। और सियामीज एलिगेटर है 120 पेयर। ये टैंक में आपको देखने मिल रहा है रोजी टेट्रा। तो रोजी टेट्रा आपको आएगा 80 रुपीज़ का पेयर और 400 डजन। टक्सीडो गप्पीज है, कोई टक्सीडो है, रेड टक्सीडो है, सब बड़े साइज के। तो ये गप्पीज का टैंक है, 150 रुपीज का पेयर है गप्पीज। और यहाँ पे सर ये टैंक में टक्सीडो गप्पीज है छोटे साइज में। हाँ हाँ, रेड टक्सीडो। और बाजू में उनका फीमेल्स है, एक टैंक में मेल रखा है, एक टैंक में फीमेल है। ये आपको आएगा 100 रुपीज का पेयर। यहाँ पर है आपको ब्लशिंग कोई एंजल है। अच्छा, रेड कैप कोई एंजल, ब्लशिंग कोई। तो ये बड़ा साइज में है, फिन टू फिन अप्रॉक्स 3.5-4 इंच का है। यस, yes. तो ये आपको आएगा 200 रुपीज़ का पेयर। और ये मेरा ओन ब्रीड का है, मेरे पास ही ब्रीड हुआ है उसमें से है। और ये टैंक में आपको है ग्रीन पिनॉय एंजल। हाँ, इसको देख सकते हो जेट ब्लैक जैसा ही दिखता है, लेकिन बड़ा अगर अडल्ट होने के बाद इसका बॉडी पे ना ग्रीनिश शेड आता है। अच्छा, ये ग्रीन पिनॉय एंजल है। और ये भी अच्छा साइज है, अप्रोक्स 2.5 इंच है। और फिन टू फिन है। अच्छा, तो इसका रेट है 150 रुपीज़ का पेयर। और यहाँ पे सर इस टैंक में,
ये टैंक में आपको देखने मिल रहा है कोहाकू शॉर्टटेल, कोहाकू कोई शॉर्टटेल, और ये आपको आएगा 60 रुपीज का पेयर है। और ये यहाँ पर है कैलिको कोई शॉर्टटेल। अच्छा, कैलिको शॉर्टटेल आपको आएगा 60 रुपीज पेयर है। सर ये टैंक में आपको एक कॉपर टेट्रा, कॉपर या फिर इसको सिल्वर टिप टेट्रा भी बोल सकते हो, तो ये आपको आता है 60 रुपीज का पेयर और 300 का वन डजन। ये फिश का एक खासियत है, ये अभी आपको ऐसा ग्रे दिख रहा है, लेकिन बड़ा होने के बाद आप मेरे डिस्प्ले टैंक में देखोगे उसको प्रॉपर कॉपर कलर आता है। अच्छा। गोल्डन शेड आता है और बहुत ब्यूटीफुल फिश दिखता है ये, और बहुत अच्छा फिश है। ये टैंक में है माउंटेन मिनो, माउंटेन मिनोज आपको दो कलर में आता है, एक ब्लैक आता है और एक गोल्डन शेड में आता है। अभी फिलहाल मेरे पास ब्लैक कलर में अवेलेबल है, तो आपको 60 रुपीज का पेयर आएगा। और इसके बॉटम में एक वैरायटी है कॉरिडोरा का, स्टर्बी कॉरिडोरा, और ये आपको आता है 300 रुपीज का पेयर। और यहाँ पे सर, यहाँ पर है रमिनोज टेट्रा, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है रमिनोज टेट्रा, रमिनोज का पेयर है 150 रुपीज का। और ये भी प्लांटेशन में आप डालोगे तो इसका जो फेस में रेड कलर है और ब्राइट हो जाता है, पीछे का जेब्रा पैटर्न भी डार्क हो जाएगा। रमिनोज में भी और एक पैटर्न आता है ब्रिलियंट रमिनोज। अच्छा। जैसे कि ये आप देख सकते हो ग्रे कलर में, वो प्रॉपर सिल्वर कलर में आता है, तो उसका भी स्टॉक अपने पास आता है, रेगुलरली आते रहता है। अभी तो फिलहाल ये मेरे पास है स्टॉक में। और इसके बॉटम में आपको देखने में मिलता है कॉरिडोरा का और एक वैरायटी है अल्बिनो कॉरिडोरा, अल्बिनो कॉरी आपको 100 रुपीज का पेयर आएगा। ये टैंक में है टाइगर बाब्स है, एक वैरायटी है अल्बिनो टाइगर बाब और दूसरा है ये फ्लोरेसेंट ग्रीन टाइगर बाब। तो जो ग्रीन टाइगर बाब है आपको आएगा 150 रुपीज का पेयर और अल्बिनो टाइगर है 80 रुपीज पेयर। ये टैंक में है अल्बिनो क्रिस्टेला, अल्बिनो क्रिस्टेला और दूसरा इसके साथ में है नियॉन रेनबो। अच्छा, नियॉन रेनबो आपको आता है 80 रुपीज का पेयर और अल्बिनो क्रिस्टेला आपको आएगा 60 रुपीज का पेयर, 300 डजन। और यहाँ पर है अल्बिनो पोलर पैरेट, पोलर पैरेट ये आपको आएगा 100 रुपीज का पेयर। ये टैंक में दो वैरायटीज है, एक है कार्डिनल टेट्रा, कार्डिनल इंपोर्टेड वाला कार्डिनल है 150 का पेयर, और दूसरा है एम्बर टेट्रा, एम्बर टेट्रा आपको आएगा 100 रुपीज का पेयर। यहाँ पे सर इस टैंक में, ये टैंक में है गोल्डन डायमंड एंजल, ये गोल्डन डायमंड एंजल आपको आएगा ओनली 30 रुपीज का पेयर, स्मॉल साइज है, यस 1.5 इंच का, और फिन टू फिन रहेगा और अप्रॉक्स 2 इंच का, और सारे एंजल्स का यही साइज है। ये है स्कार एंजल, स्कार डायमंड, ये भी आपको आएगा 30 रुपीज पेयर। और इसके बाजू में मार्बल एंजल्स है, मार्बल एंजल भी 30 रुपीज पेयर। और इसमें और एक वैरायटी है नीचे ड्रिप फूड के नीचे, स्पॉन्ज फिल्टर के नीचे आप देख सकते हो, लोच का वैरायटी है कुली लोच, यस, तो ये कुली लोच आपको आएगा 120 रुपीज का पेयर। ये टैंक में है आपको दो वैरायटीज है अगेन, एक ये स्टोन कैटफिश है, स्टोन कैटफिश आपको आएगा 100 रुपीज का पेयर। और सामने फिल्टर पे जो बैठा है ये फेदर फिन कैटफिश है, अपसाइड डाउन कैटफिश जिसको बोलते हैं, यस यस, तो ये आपको आएगा 350 रुपीज का पेयर। यहाँ पे सर ये डॉर्फ गुरामी है, इसमें रेड हनी गुरामी है और दूसरा कोबाल्ट गुरामी है, ये आपको आएगा 350 रुपीज का पेयर। यहाँ पे सर और ये बार्ब का वैरायटी है और इसमें गोल्ड टेट्रा भी है, चेकर्ड बोर्ड बार्ब है, ये आपको आएगा 150 रुपीज पेयर, गोल्ड टेट्रा आपको आएगा 80 रुपीज का पेयर। और नीचे आप पीछे ग्लास पे देख सकते हो, ये गोल्डन एलिगेटर है, ये आपको आएगा 120 रुपीज पेयर। तो ये दोनों टैंक में जंबो साइज के विडो टेट्राज है, इलेक्ट्रिक ब्लू सॉरी इलेक्ट्रिक पर्पल, इलेक्ट्रिक ग्रीन, इलेक्ट्रिक रेड और इलेक्ट्रिक येलो, ये चारों कलर है और जंबो साइज में आपको आएगा 100 रुपीज का पेयर, 500 का वन डजन। अबे सर यहाँ पर है ऑरेंज श्रिम्स है, ऑरेंज श्रिम्स आपको आएगा 120 रुपीज का पेयर और 600 का वन डजन। अच्छा, अभी मेरे पास ऑरेंज है, कभी येलो आता है तो येलो और ऑरेंज का ये टैंक रहता है मेरे पास। अच्छा अच्छा, और इसका स्टॉक भी रेगुलर मेरे पास रहता है। इसके बाजू में आपको देखने मिलेगा रेड फायर श्रिम्स। अच्छा हाँ, अभी स्टॉक मेरे पास हार्डली 10 पीस रहेंगे, 8-10 पीस, और ये आपको आता है 100 रुपीज का पेयर। अच्छा, तो रेसर यहाँ पे, यहाँ पर है ड्रीम ब्लू श्रिम्प। हाँ हाँ, ये थोड़ा अभी कैसे यहाँ पे ब्रीड होता है तो छोटा छोटा बेबी है, एक बड़ा एडल्ट यहाँ पे बैठा है आप देख सकते हो डार्क शेड में। हाँ, ये है ड्रीम ब्लू श्रिम्प,
ये आपको आएगा 150 रुपीज पेयर। अभी इसका ऑलमोस्ट मेरे पास स्टॉक खत्म है, एक हाथ दो पीस बचा है। अच्छा, ये अपडेट हो जाएगा, ये मिल जाएगा सर। यहाँ पर आपको ब्लैक श्रिम्प है, ब्लैक चोको श्रिम्प, ये आपको आएगा 150 रुपीज का पेयर, एकदम जेट ब्लैक है। यस, आप इस पर मोबाइल टॉर्च मार के भी देख सकते हो ना, पूरा ब्लैक दिखेगा। जबकि ब्लू श्रिम्प जो है ये आपको ब्लू में दिखता है। और एक वैरायटी श्रिम्प में अपने पास आता है ग्रीन श्रिम्प, लेकिन अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो भी अपने पास मिल जाएगा। स्नेल्स का वैरायटीज मिल जाएगा आपको, एसेसिन हो गया, जेब्रा नेराइट हो गया, स्पॉटेड नेराइट है, तो ये सब स्नेल्स का भी वैरायटीज मेरे पास आते रहते हैं। अभी ये मेरा डिस्प्ले टैंक सेटअप है, इसमें मेरे पास जितना भी वैरायटीज है फिशेस का, सबका मैंने एक एक दो दो पेयर इसमें डाल के रखा है। यस, और ये मैंने आपको जो बोला था कॉपर टेट्रास, तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो ये कॉपर टेट्रा है, एकदम गोल्डन शेड में हो गया है, तो कॉपर टेट्रा है। यस, प्रॉपर गोल्डन शेड आया है। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास जो स्टॉक में नहीं दिख रहा है उसमें से यहाँ पे हार्लिक्विन रास्बोर है, फेदर फिन, ये देखो रेनबो, हाँ फेदर फिन रेनबो है, पास्काई रेनबो है, गेट्रूड रेनबो है, तो ये भी स्टॉक मेरे पास रेगुलरली आते रहते हैं। तो जिनको भी इंटरेस्ट होता है ऐसी एग्जॉटिक वैरायटीज में, गैलेक्सी रास्बोरा मेरे पास एक आते रहते हैं, गैलेक्सी का स्टॉक मेरे पास था अभी ख़त्म हो गया है, रेगुलरली आते रहते हैं। तो आपको जो भी फिश का रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। एक ये पी पफर आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला पी पफर मेरे पास था, पीछे छूट गया, अभी पीछे छूट गया। हाँ, तो ये पी पफर भी मेरे पास स्टॉक में आता है, बहुत सारा वैरायटी, रैम्स का अच्छा वैरायटीज आता है, बलून में आता है, इलेक्ट्रिक ब्लू हो गया, जर्मन ब्लू रैम है, तो ये सब भी चीज़ आपको मेरे पास मिलेगा। प्लांटेशन आप करके देते हो क्या? प्लांटेशन सेटअप हम लोग करते हैं, प्लांटेशन आप कस्टमर को जैसा सेटअप चाहिए वैसा सेटअप बना के मिल जाएगा, और प्लांट्स हम लोग सेल करते हैं आपको। मेरे पास अभी आज मेरे पास प्लांट का ज़्यादा स्टॉक नहीं है, इसके लिए मैं प्लांट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन प्लांट का मेरे पास जितना है थोड़ा मैं आपको उसमें दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे सर, तो ये देखो, ये जैसा मैंने आपको कद बताया, ये असॉर्टेड प्लांट पॉट्स है, बहुत सारा वैरायटीज़ मेरे पास आता है। तो आज ही शाम को मेरे पास एक 150 पॉट्स, 250 के आसपास 150 आएगा, तो उसमें 20 से 25 वैरायटीज़ प्लांट मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और एवरी थर्सडे जो है प्लांट का स्टॉक अपडेट होता है। और प्लांट जितना भी आपको ये सब पॉटेड में दिखेगा 75 रुपीज़ ईच फ्लैट रेट है एनी वैरायटी। अच्छा, और उसमें एक ऐसे जावा फन जाता है, जावा फन का पैकेट रहेगा, तो उसमें साइज में अलग अलग रेट्स है, 150, 200, 350 भी आता है, ऑन वुड लगाया हुआ। अच्छा, बड़ा साइज में वो आता है। उसके बाद में आपको एचसी क्यूबा, ग्लॉसोस्टिग्मा, मोंटे कार्लो, हाइड्रोकोटल ट्रिपाटिडा, तो ये कारपेट्स का पैकेट्स मिलेगा, उसका 200 रुपीज़ ईच पैकेट है प्राइस। और जावा मॉस, जावा मॉस आपको आएगा 150 रुपीज़ का पैकेट। अच्छा, और काफ़ी सारा ग्रोथ है, आपने मेरे ब्लू कलर के श्रिम्प्स में देखा होगा, मैंने वैसे ही वहाँ पे एक पैकेट लगाया था, ग्रो हुआ है, तो आप इजीली ग्रो कर सकते हो जावा मॉस को भी। और प्लांट का अपडेट के लिए आप मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस वॉच करोगे, उस पर भी आपको अपडेट दिख जाएगा, और मैं पर्सनल में भी अपडेट डालते रहता हूँ। यस, अगर आपको दोस्तों एक्सेसरीज चाहिए जिसमें फूड भी है अवेलेबल यहाँ पे और फिल्टर्स भी है, अलग अलग वेराइटीज़ के एक्सेसरीज़ है मेरे को, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, और अभी डिस्प्ले में भी आ रहा है, तो ज़रूर इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हो। तो साई सर, काफ़ी अच्छा लगा, पूरा स्टॉक है वो कवर करके, और जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि छोटे मतलब स्मॉल सेटअप में आपने काफ़ी अच्छे से फ़िश को मैनेज किया है, फ़िश के वेराइटीज़ को मैनेज किया है, और जैसे आपने बताया कि ये जो है कुछ परसेंटेज स्टॉक है, अभी कुछ दिनों में है ऑलमोस्ट तो आने वाला है। हाँ राइट, ये 50% से भी कम मेरे पास अच्छा, है, क्योंकि मेरे पास एट द टाइम अवेलेबल में मोर देन 80 वैरायटीज में यहाँ पे रखता हूँ। हाँ, सब टैंक में एक एक दो दो वैरायटी, ऑलमोस्ट तीन तीन वैरायटीज भी होता है। यस, और मेरा जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट्सएप पर मैं सबको अपडेट भेजता हूँ, तो जब भी आपको अपडेट रिसीव होगा और आपको कुछ चाहिए तो मुझे वही टाइम पे आप रिवर्ट करो या फिर रिप्लाई करो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं आपके लिए वो रख दूँ, या फिर आपको बोल सकता हूँ कि आप जल्दी आके ले लो, बिकॉज मेरे पास जैसे ही स्टॉक आता है 3 से 4 दिन में पूरा खत्म हो जाता है, और मैं
हर 15 दिन में ही एक बार स्टॉक मंगाता हूँ, जो भी आता है अच्छा क्वालिटी आता है, बट एक ही टाइम आता है, या फिर महीने में 2 बार ऐसे में मंगाता हूँ। तो जब भी आपको अपडेट आएगा या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अभी मेरे पास आपको कुछ भी एग्रेसिव वैरायटी देखने नहीं मिला है, तो सिकलेट्स हो गया, अपना जियोफेगस में कुछ है, फ्रंटोसास है, अरवानास है, डिस्कस फिश, डिस्कस अभी मेरे पास स्टॉक में नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लाइमेट ठंडा है, आपको भी फील हुआ मेरा सी लेवल से बहुत, हम लोग नजदीक है, बीच के साइड पे ही है, तो और बैक साइड ओपन है, तो पूरा रात को क्या दिन के टाइम में भी बहुत ठंडा होता है, तो इसके लिए अब भी हमने स्टॉक में डिस्कस नहीं रखा है। अदरवाइज ये सामने वाला टैंक जो आपको एम्प्टी दिख रहा है, ये मेरा डिस्कस का इसमें स्टॉक रहता है, तो वो भी आपको अगर चाहिए तो ऑर्डर पे मिल जाएगा, या फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, एसेसरीज हो गया, फिशेस हो गया, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया, और शिपिंग चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा, और कोई भी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू नहीं है। आपको एक पेयर चाहिए तो एक पेयर भी हम यहाँ से बेच सकते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स, एसेसरीज, फूड्स, जो भी है आपको सब मिल जाएगा। एक्वाटिक प्लांट्स का तो एवरी थर्सडे को अपना स्टॉक अपडेट होता है, यानी कि हर हफ्ते में एक बार एक शिपमेंट आता ही आता है कंपलसरी, तो वो भी आपको उसमें बहुत सारा वैरायटीज मिलेगा। आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ये वैरायटी मुझे चाहिए, आप मुझे नाम भेज दो, मैं आपको उसका अवेलेबल करके दे दूंगा। थैंक यू साई सर, वेलकम। काफ़ी अच्छा लगा आपके पास आके पूरा वीडियो शूट करके। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, जब भी वापिस मेरा स्टॉक अपडेट होगा तो और एक वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे। पक्का बनाएंगे। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।